जिसको भगवा ये कह रहे हैं उसको ऑरेंज नाम दिया गया है, और ये जानबूझ के भगवा का ये इस्तेमाल हुआ है, बेशरम ना, कुछ भी नहीं हुआ है। मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, ये हिट होगी मूवी, मैं बोल रहा हूँ खुला। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा मूवी तो फ्लॉप होने वाली है। बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगी, पूरा हिंदुस्तान इस मूवी को देखेगा, मूवी सुपर हिट होकर रहेगी, बिल्कुल 500 करोड़ से ऊपर कमाएगी, पूरा देश का युवा देखेगा उसको, हिंदू मुस्लिम में बांटने की जाना चाहेंगे। देखिए 500 करोड़ मेरे को भी लगता है कि 500 करोड़ क्या टारगेट बना के चलेगी, हो सकता है शायद ज्यादा जाए, 500 करोड़ तक वो है ज्यादा जाएगा। ये इसमें लोगों की आस्था, विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी इतने बिल्कुल बाइकॉट करने के बाद भी है, जितना विरोध होता है उतनी पिक्चर की तादाद बढ़ती है देखने वालों की। लोकसभा में बैठे हुए इन लोगों ने खुद बिकनी के अंदर जो एक्ट्रेस है उनके साथ में सीन किए हैं, जब इनको भगवा याद नहीं आया, क्योंकि शाहरुख खान है इस मूवी के अंदर, पठान है इस मूवी के अंदर, तो इनको जो है भगवा कलर याद आ रहा। चाहे शाहरुख खान की मूवी हो, चाहे आमिर खान की मूवी हो, चाहे सलमान खान की मूवी, जब ये सब खान्स की मूवीज आती हैं तो इनको इस तरीके के बवाल करने होते हैं। कश्मीरी फाइल के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया मुसलमानों को टारगेट किया, उस पर कोई किसी की जबान नहीं खुलती, लेकिन कुछ ऐसे गधे बेवकूफ इंसान जो कहते हैं आस्था के नाम पर चोट की जा रही है गाने के अंदर। बेशरम तो मूवी का नाम था जिसमें एक्टर था रणवीर कपूर, बेशरम था ना नाम उस मूवी का, क्यों रिलीज होने दी? उसने भी उस मूवी के अंदर भगवा कलर पहन के बिकनी में जो एक्ट्रेस थी करीना कपूर उसके साथ में डांस किया गया था, लेकिन उस पर बवाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ शाहरुख खान का मामला है। शर्म रंग गाने पर जो है लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि बेशरम भगवा को कहा गया, क्योंकि भगवा ड्रेस पहन रखी है दीपिका पादुकोण ने, लेकिन उस बात को लेकर शाहरुख खान को ट्रोल किया जा रहा है। इन्हीं बातों पर बातचीत करते हैं, मेरे साथ जो यहाँ पर सोशल वर्कर युवा यहाँ मौजूद है, आइए बिलाल अहमद से बातचीत करते हैं जो एडवोकेट भी है। क्या लगता है जी आपको, जब जब खान की मूवी आती है पुरजोर मजम्मत किया जाता है और पुरजोर तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि खान मूवी पूरी तरह मुकम्मल बाइकॉट करें, खानों का दबदबा ख़त्म करें, क्या लगता है आपको भगवा रंग में जो भगवा रंग को जो बताया गया कि भगवा रंग दीपिका पादुकोण पहन करके बेशरम रंग यानी कि भगवा को टारगेट करना, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन लोगों की बॉलीवुड के अंदर भी दो फाड़ हो चुके हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड में बताना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा भगवा रंग की बात करने वाले लोग जो कह रहे हैं भगवा को बिगिनी बनाकर, तो इससे पहले भी ये सारी चीज़ें की गई हैं, चाहे वो मनोज तिवारी का मैंने जिक्र किया, वो चाहे रवि किशन हो या इनका निरहुआ जो लोकसभा एमपी है, तो मैं इनके एक्ट्रेस बता रहा हूँ जो अभी लोकसभा में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने खुद बिकनी के अंदर जो एक्ट्रेस है उनके साथ में सीन किए हैं, जब इनको भगवा याद नहीं आया, क्योंकि शाहरुख खान है इस मूवी के अंदर, पठान है इस मूवी के अंदर, तो इनको जो है भगवा कलर याद आ रहा। चाहे शाहरुख खान की मूवी हो, चाहे आमिर खान की मूवी हो, चाहे सलमान खान की मूवी, जब ये सब खान्स की मूवीज़ आती हैं तो इनको इस तरीके के बवाल करने होते हैं। कश्मीरी फाइल के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया मुसलमानों को टारगेट किया, उस पर कोई किसी की जबान नहीं खुलती, उसको हिट कराने के लिए सारा जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो रोड पर उतरते हैं। देखिए कितनी मानसिकता गलत हो चुकी है इस देश के अंदर। राजनीति आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाहते हैं, बॉलीवुड के अंदर जो एक सिनेमा है उसको बॉलीवुड के अंदर एक एंटरटेनमेंट के लिए मूवी दी जाती है जिसको लोग पसंद करते हैं, उसमें कोई धर्म जाति हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाएंगे भगवा कलर पहन करके, बेशरम रंग गाना, बेशरम रंग क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे गधे बेवकूफ इंसान जो कहते हैं कि आस्था के नाम पर चोट की जा रही है गाने के अंदर। बेशरम तो मूवी का नाम था जिसमें एक्टर था रणवीर कपूर, बेशरम था ना नाम उस मूवी का, क्यों रिलीज होने दी? उसने भी उस मूवी के अंदर भगवा कलर पहन के बिकनी में जो एक्ट्रेस थी करीना कपूर उसके साथ में डांस किया गया था, उस और जो है उसमें कटरीना का कैफ ने अक्षय कुमार के साथ यही सेम चीज़ की गई थी, लेकिन उस पर बवाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ शाहरुख खान का मामला है। यहाँ आमिर खान को जो लाल सिंह चड्ढा जो उनकी मूवी आई थी वो फ्लॉप करा दी गई। लेकिन आप लोगों को भी तो आगे आना चाहिए, भगवा कलर का अपमान जिस तरह से हो रहा, चलिए आप जो कह रहे हैं आपकी बात को दुरुस्त करते हैं, लेकिन भगवा कलर भगवा बिकनी पहन करके भी इस तरीके से प्रदर्शन करना, क्या ये सही है? आप लोग भी तो क्योंकि अपमान नहीं है, एक आस्था है भगवा में लोगों का। कोई सुनिए मेरी बात, भगवा कोई इनके बाप की जागीर नहीं है जो भगवा को लेकर ये मुद्दा बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये इसमें सिर्फ और राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एंगल हिंदू मुस्लिम का, इसकी मूवी को फ्लॉप करा दिया जाए, खान्स की मूवी फ्लॉप करा दिया जाए, अक्षय कुमार की मूवी पर क्यों नहीं बोलते हैं? सेम सीन ये क्रिएट किया गया है और दूसरी हीरोइन ने ये बिकनी पहनकर डांस किया गया और बहुत गलत तरीके से, मैं आपका अल्फाज लिखूंगा, इतनी बदतमीजी के तरीके से उसको सीन किया गया है। बहुत हेट स्पीच 3 जो इनकी जो पसंदीदा एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उसने बिकनी में ये कलर पहना है।
जिसको भगवा ये कह रहे हैं उसको ऑरेंज नाम दिया गया है, और ये जानबूझ के भगवा का ये इस्तेमाल हुआ है, बेशरम नाम कुछ भी नहीं हुआ है। मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, ये हिट होगी मूवी, मैं बोल रहा हूँ खुला। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा मूवी तो फ्लॉप होने वाली है। बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगी, पूरा हिंदुस्तान इस मूवी को देखेगा, लाल सिंह चड्ढा अच्छा देखेगा। ये वो सुनिए, वो उसकी एक्टिंग की वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जिस तरीके से मूवी के रिव्यूज हमें आ रहे हैं, हमने मूवी का सॉन्ग भी सुना है, आगे भी जो है पठान मूवी सुपर हिट होकर रहेगी, बिल्कुल 500 करोड़ से ऊपर कमाएगी, पूरा देश का युवा देखेगा उसको, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कहना चाहेंगे। देखिए 500 करोड़, मेरे को भी लगता है कि 500 करोड़ क्या टारगेट बना के चलेगी, हो सकता है शायद ज्यादा जाए, 500 करोड़ तक वो है ज्यादा जाएगा। ये इसमें लोगों की आस्था, विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी इतने बिल्कुल बाइकॉट करने के बाद भी है, जितना विरोध होता है उतनी पिक्चर की तादाद बढ़ती है देखने वालों की। ये हमारा हिंदुस्तान है, जितना आप चीज का विरोध करेंगे उतना ही लोग उसको उत्साह के साथ देखते हैं। भगवा कलर पहन के गाने है, भगवा कलर पहन के गाने में बेशरम रंग का गाना गाना और आप कह रहे मूवी हिट होगी? ना ये लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, ये तो एक रंग है, ये तो संघी लोग बीजेपी के लोग इसको आस्था का रंग, बीजेपी के लोग बिल्कुल संघ के लोग बीजेपी के लोग इसको आस्था कलर दे रहे हैं। ये आस्था के लोग की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, हम भी सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, हर धर्म का सम्मान करते हैं, और इसमें हर चीज़ का सम्मान करते हुए वो चीज़ करी गई है। अगर ये भगवा रंग होता तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च क्यों होने दिया? सबसे पहले सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, सेंसर बोर्ड ने लॉन्च क्यों होने दी? सर ऐसा साजिश, जितनी भी जो साजिश थी वो सेंसर बोर्ड की थी, सेंसर बोर्ड तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी ने लॉन्च क्यों होने दी? इसलिए कि बवाल मचे, हिंदुस्तान में खलबली मचे, खान की लॉबी के ऊपर उंगली उठाए। तो मेरा सवाल है सेंसर बोर्ड के ऊपर, सेंसर बोर्ड ने इसको क्यों लॉन्च किया इस मूवी को? सेंसर बोर्ड, मैं भी इस मेंबर रहा हूँ सेंसर बोर्ड का, कांग्रेस के टाइम में हम भी एक मूवी एक एक चीज़ चेक करते थे तब उसको लॉन्च करते थे। तो जब आस्था के तौर पर संग कलर के तौर पर ये चीज़ रखी गई थी तो इस सीन को क्यों नहीं काटा गया? इस सीन को काटा जाता, क्यों काटा नहीं गया? आप देखेंगे इस मूवी को? मैं बिल्कुल इस मूवी को देखूंगा, मेरे इसमें कोई वो नहीं है, ये एक मूवी है, कोई आस्था के ऊपर कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर मूवी मैं देखूंगा आस्था के ऊपर लेकर के तो ये सोच गलत है। आप देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, और मेरे दोस्त भी देखेंगे जो हिंदू भाई हैं वो भी खुलकर देखेंगे। वो इसका बात करें, हिंदू सारे हिंदू प्रदर्शन कर रहे, बाइकॉट कर रहे हैं पठान मूवी का। नहीं है, जो लोग मानसिकता खराब हो चुकी है, जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई रहे, और खान्स लॉबी और जो अदर्स एक्टर्स हैं उनमें टकराव चाहते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। अनुपम खेर जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, जो हमेशा जो खान्स को टारगेट करते हैं। हमने कहा, जैसे शाहिद भाई ने भी बताया, अनुपम खेर तो शाहरुख खान का दोस्त है। दोस्त वोस्त नहीं है, आप देखिए आरएसएस का लीडर चड्डीधारी आदमी है, वो खुला बिल्कुल बीजेपी का आरएसएस का आदमी है। उसने कश्मीरी फाइल के नाम पे जो मुसलमानों को उसमें दिखाया था वो बिल्कुल गलत था, जिस तरीके से उसको फटकार पड़ी थी, आप देखा होगा किस तरीके से फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसको बेइज्जत होना पड़ा, और कहा कि ऐसी गंदी मूवी बनाने की आपकी हिम्मत कैसे गई, एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसने ऐसी मूवी बना दी। और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा कश्मीरी पंडित, आज तक उसने किया क्या है कश्मीरी पंडित के लिए? चलिए ये बताइए दर्शकों, देखते हैं कि इस मूवी को रिलीज होने में क्या लगता है कि ये मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी या सुपर हिट होगी। जिस तरह भाई ने कहा है 500 करोड़ बिजनेस करेगी, अब उससे भी ज़्यादा देखना ये, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा भी बाइकआउट करने की लोग पुरजोर मुदम्मत कर रहे थे लाल सिंह चड्ढा का, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हुई थी। देखना ये कि शाहरुख खान की मूवी पठान फ्लॉप होती है या सुपर हिट या ब्लॉकबास्टर। दर्शकों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।